नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। शहर में विकास की गंगा बहा देने का चुनावी शोर सुनाई पड़ रहा है। हर कोई अपने को ईमानदार और बेहतर समाजसेवी बता रहे हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर वोटर के पास पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार में वादों की लंबी फेहरिस्त नजर आ रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि धरातल पर विकास की तस्वीर कैसी है। चौंकिए नहीं, ये किसी गांव की पगडंडी नहीं बल्कि नगर निगम के इलाके का हाल है। यहां के विकास को देख आप भी शर्मा जाएंगे। देखिए वादों की जमीनी हकीकत। एक तरफ जहां नगर निगम के चुनाव को लेकर पूरी तरह जो है प्रचार जो है सभी गली मोहल्ले में नज़र आ रहा है, वहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि नगर निगम के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए तरसता हुआ नज़र आ रहा है। आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये नगर निगम का इलाका ही है, वार्ड नंबर 17। और आप देखिए जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी कहीं भी आपको सड़क के नाम पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। सिर्फ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ मिट्टी या जो कुछ भी आपको पत्थर नज़र आ रहा है तो वो यहाँ रहने वाले लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गिरवाया है ताकि अपने घर तक ये आसानी से पहुँच सके। लेकिन निगम की तरफ से इन सभी लोगों से टैक्स लिया जाता है और टैक्स लेने के बाद भी लोग जो है सड़क के लिए तरस रहे हैं। जो समय पर कचरे का उठाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, कहीं भी कचरा पेटी नहीं दिखाई दे रहा है। आप देख लीजिए जहाँ कहीं भी आप देखेंगे कि सभी तरफ घर बना हुआ है लेकिन रोड के नाम पर यहाँ सिर्फ मिट्टी और वो भी कच्ची सड़क है। जब बारिश का मौसम होता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, लोग घुटने भर पानी में चलने को मजबूर हैं। हालांकि इस संबंध में कई बार संबंधित जो वार्ड पार्षद हैं और निगम के अफसरों से लोगों ने शिकायत की है, गुहार लगाई है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जब आगे आप पहुंचते हैं तो सड़क की क्या स्थिति है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं उनका दर्द। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोग जो है सो क्या कहते हैं इसको, हम लोग अपने पैसा से दे करके मिट्टी भरवाए हैं, रबीज गिरवाए हैं। और क्या कहते हैं, अभी जो ये पंकज यादव हैं इनके यहाँ गए हुए थे, ये बोले करेंगे देखेंगे, लेकिन आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। नगर निगम के इलाके में पड़ता है। हाँ, 17 वार्ड में है। 17 नंबर वार्ड। हाँ, 17 नंबर वार्ड में लेके भरे हैं। हाँ, हम लोग अपने कोई सहायता नहीं, गए थे हम लोग खुद मेयर साहब के पास भी गए थे तो वहाँ से एक गाड़ी बाइक वाला को भेज दिया गया था, किलोमीटर नाप लिया गया था, कुछ नहीं हुआ आज तक। बस यही कहते हैं अरे वो सब तो इलाका उसने ट्रैक्टर जाने वाला है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग टैक्स देते हैं नगर निगम? हाँ, हम लोग बिल कटवाते हैं, टैक्स दिए हुए हैं। सुविधा क्या मिलती है? कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, कचरा वाला भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ ये स्थिति होता है, ट्रैक्टर फंसता है, हम लोग अपने पैसा से मिट्टी गिरवाए हैं। हर एक साल हम लोग जो है बरसात में जो है पैसा देते हैं, बालू गिरवाते हैं, मिट्टी गिरवाते हैं, यही सुविधा यही है। हाँ, सुविधा में सुविधा हम लोग जो है बिजली विजली का जो है ये हुआ, पहले खंभा से था, अभी जो है ये बिजली लगा है। सड़क में मतलब कोई नगर निगम को कोई तो नहीं, कोई सहायता, कुछ कोई सहायता नहीं है, कुछ भी सहायता नहीं है। यहाँ देखने के लिए नहीं आता है तो अच्छा, अभी चुनाव भी चुनाव है भी हाँ चुनाव भी है, लेकिन अभी तक कोई आए नहीं है। पर्चा आता है, पर्चा साड़ देता है, चला जाता है, लेकिन कोई नहीं आया है। वादा का क्या होता है? वादा तो ऐसे होता है, वादा होता है, जीतता फिर आता नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम कुमार कृष्णानंद। दिक्कत हो जाता है इस रोड में, बरसात में पूरा कीचड़ उचड़ हो जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, और बार बार जाना होता है क्लास व्लास के लिए, बहुत दिक्कत होता है यो के जाने में। रात के समय क्या परेशानी? रात में भी मतलब सड़क कभी बना ही नहीं है क्या? कभी बना ही नहीं है सड़क, कोई काम ही नहीं हुआ इस सड़क में। इसी तरह है। मजबूरन आना जाना पड़ता है रात के समय में, और अंधेरा में कीचड़ उचड़ होता है पूरा, बहुत दिक्कत होता है, बहुत होता है। कुंदन कुमार झा। रोड की कैसी स्थिति? बहुत खराब स्थिति है। कैसे आते हैं? बहुत दिक्कत से आते हैं, दिक्कत से आते हैं। हाँ, दिक्कत होता है। टोटो चलता है अच्छा से? टोटो बहुत दिक्कत से आता है, टोटो पलट भी जाता है। हाँ, ऐसा उसमें पलटा भी है, पलट भी जाता है। डर लगता है? डर लगता है ऐसा रोड में चलने में। क्या नाम है? फिरोज खान। बोले बोलवे करते हैं, पहले हम सब चंदा करके ये रोड बनवाए हैं अपने से, आज जब टैक्स तो सरकार को देवे नहीं करते हैं नगर निगम से, कोई सुविधा नहीं मिला है नगर निगम। अभी कोई सुविधा नहीं हम सबको मिला है। तो
नहीं पानी आता है न कुछ कुछ भी नहीं करता है कहीं कुछ नहीं है मेरा। रोड कभी बना है कि नहीं? नहीं रोड बनवे नहीं किया है इसने, हम सब चंदा करके दिए हैं। कच्चा रास्ता है? हाँ कच्ची रास्ता है। कोई देखने आता है कि नहीं? नहीं कोई देखने के लिए नहीं आया। पर्ची भिजवा देता है नेता? नेताजी तो अभी आते होंगे घर पर? आते हैं तो वही बनवाएगा तभी ना, अभी तो कुछ नहीं किया है, इसे कच्ची है इसी तरह। हाँ इसी तरह। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 17 है। 17 नंबर। हाँ क्या नाम हुआ किसका? आपका नाम? मेरा नाम है पिंकी देवी। आप लोग को यहाँ क्या दिक्कत हुआ? ये पानी पुनी में दिक्कत होता है, वर्षा होता है तो दिक्कत होवे ना करता है। रोड नहीं? नहीं रोड नहीं। रोड है ही नहीं? नहीं रोड है, रास्ता मतलब कच्ची है। कच्ची रास्ता? हाँ पक्की नहीं। अच्छा कौन सा वार्ड है ये? ये तो 17 है। 17 नंबर है। हाँ बरसात के दिन में क्या परेशानी होता है? वही कचरा थी होता है, कादो की कादर की। रोड कभी बना है कि नहीं? ना, कभी नहीं बना। कभी नहीं बना? ना, नहीं, नहीं। निगम के इलाके में ही है ये? हाँ। क्या नाम है आपका? हमरा बबीता। कौन सा रोड है ये? 52 बीघा का रोड है मधुबनी का। अच्छा कौन से वार्ड में पड़ता है ये? वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 17 दोनों वार्ड में पड़ता है। दोनों वार्ड में? दोनों वार्ड में। सड़क कभी नहीं बनी? कभी नहीं। तो ये किसने इसको ये करवाया मिट्टी? ये तो यहाँ का जितना बसिंदा सब है सब चंदा लगा लगा के अपना जो है रोड अपना चंदा लगा लगा के भरे हैं सब। इसको भरे हैं? हाँ मतलब इसी तरह मिट्टी? हाँ इससे भी पूरा डैमेज था तो पूरा जो है कि अपना चंदा लगाए कोई 10,000 को 5,000 2,000 से करके तब टोटल यहाँ से। बारिश के दिन में क्या होता है? बारिश में बहुत कीचड़ बहुत हालत खराब होता है रोड में, आने जाने में बहुत दिक्कत है, आने जाने में परेशानी होती है, बहुत परेशानी। निगम का वो आप लोग टैक्स भी देते हैं? हाँ तो हम लोग यहाँ टैक्स देते हैं, निगम को टैक्स देते हैं। रोड नहीं रोड का कहीं कई बार जो है कि यहाँ से जो है कि मेयर के पास में भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं है सबका। अब लाइट वगैरह है? लाइट वहाँ इधर हाल फिलहाल से 2-3 साल से। अच्छा कचरा पेटी वगैरह कहीं है? कुछ नहीं। कहाँ फेंकते हैं कचरा आप लोग? कोई ना हम लोग इसे देखते हैं ना वहाँ जमा है उठा के अपना खेत में फेंक देते हैं, खुले में फेंक देते हैं, अपना खेत में जमा करते हैं बाद में जला देते हैं ना तो उधर धार है धार में जाकर फेंक देते हैं। इसी तरह कभी इधर लगभग 5-7 रोज से आता गए तो बस वही उधरे सुधरे घूम जाते हैं। कुछ नाम भी है इस इलाके का? ना इसका अभी 52 बीघा कहलाता है, 52 विद्यापति नगर 52 बीघा। क्या नाम है इसका? सुनील कुमार यादव। कौन सा वार्ड है ये? 1 और 17 दोनों है। जैसे होती है जब रास्ता तस्ता मतलब वर्षा गिरने तो पूरा एकदम कीचड़ हो जाता है, गाड़ी तारी में चलता भी नहीं है। रोड कभी बना है यहाँ? रोड यहाँ मतलब कभी भी नहीं बना आज तक, मतलब नहीं बना रोड तो मतलब। नल जल योजना का कुछ लाभ मिल? कुछ भी लाभ नहीं, मतलब बना हुआ मतलब नल का मतलब उसमें सप्लाई तप्लाई उसमें भैया नहीं पानी आता है? पानी भैया उसमें नहीं आता है, कभी नहीं आता, कभी भी नहीं। इसी तरह लगा एक साल हो गया है जब मतलब एक साल के बाद मतलब एक और इसमें पानी नहीं आता आ रहा है इसमें कभी नहीं। अच्छा ये रोड को कौन ऐसे किया? कच्ची उच्ची जो देखते हैं भरा है आदमी लोग? आदमी है सब मतलब आमने सामने वाला मतलब चंदा करके। हाँ मतलब वैसे करके मतलब रास्ता बनाया गया है। बरसात होती है तो क्या होता है? बरसात होने के बाद जिसमें पानी का ठोना भरता मतलब पानी में इसमें जमा हो जाता है, उसके बाद चलने फिरने में बहुत दिक्कत। नगर निगम तो कोई सुविधा नहीं है? कोनो सुविधा नहीं है नगर निगम। कौन सा वार्ड है ये? 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड? हाँ 1 नंबर वार्ड। इधर कौन सा? इधर है 17 नंबर वार्ड। तो दो वार्ड के बीच का ये? दो वार्ड का बीच में हम लोग है। क्या नाम है? मेरा नाम है विमल कुमार बर्मन। पर्सनल रोड हम लोग अपना चंदा करके हुआ है सब तो यहाँ से वहाँ आता है, सरकार दिए ना और हम लोग को कादो कीचड़ हो जाता है यहाँ, प्लस सरकारी नल नल दिया है, नल में पानी नहीं आता है, कभी नहीं आता है, कभी वो छोड़ता है तो यहाँ कादो हो जाता है। अच्छा पूरा ये मतलब पाइप फटा? यहीं पर है पाइप फटा है। हाँ नल जो घर में लगा उसमें पानी आया अभी तक आज तक? आता है लेकिन उससे बेसी यहाँ लीकेज हो जाता है, बाहर निकल जाए बर्बाद होता है। कौन सा वार्ड है? 1 नंबर। आपका नाम क्या हुआ? गोपाल उराव। हम आपको आगे आने के बाद दिखाते हैं कि देखिए तस्वीर क्या है, आप सीधे देख पा रहे होंगे कि जो बाइक आ रही है वहाँ पर ऊबर खाबर रास्ता है और ठीक सामने रेलवे का पटरी है, उसके आगे वो आपको चला जाएगा जिसमें लॉ कॉलेज का इलाका है, वहाँ से ये रास्ता भीतर प्रवेश करती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये नगर निगम का इलाका आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वार्ड नंबर 17, और जब आप इधर देखेंगे इस तरफ ठीक मेरे दाहिनी ओर तो ये वार्ड नंबर 1 का जो है इलाका है, और ये स्थिति है जिसके कारण लोगों को जो है
परेशानी हो रही है और दो वार्ड के बीच ये रोड फंसा हुआ है, जिसके कारण लोग जो है परेशान हैं। यहाँ पर लोग सालों से रह रहे हैं, लेकिन एक अदद रोड के लिए लोग तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसके संबंध में कई बार हम लोगों ने संबंधित जो है पदाधिकारी या वार्ड पार्षद को कहा है, लेकिन अभी तक जो है इस रोड का कायाकल्प नहीं हो रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि जो नल जल योजना है, सात निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना का ये पाइप है, और इसी पाइप के सहारे जो है आप देखिए कि घरों तक ये पहुंचा है, और सामने आपको टोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन उसमें पानी आता नहीं है। यदा कदा एक बार पानी आ गया, उसके बाद पानी इससे नहीं आता, लेकिन जो पानी निकल के आता है वह पीने के लायक नहीं है, लिहाजा लोग जो है इसका उपयोग नहीं करते हैं। सरकार के द्वारा जो योजना का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अनदेखी कर रहे हैं, जिसकी परिणति आपको सीधे नज़र आ रही होगी कि आप देख लीजिए कि रोड का क्या हाल है। हम बात करते हैं हमारे साथी में, कब से रोड का ये हाल? बहुत दिन से रोड का हाल है, जब से इस लोग बसा है, यानी 15-20 साल हो गया। 15-20 साल से रोड का ही ऐसे हाल है। कभी बना है ना? कभी नहीं बना है, कभी नहीं। इसी तरह कच्चा है? ऐसे कच्चा है, कच्चा ही। अच्छा, आप ये बताइए कि ये कौन भरवाया इसको? ये लोग यही ग्रामीण के सहयोग से भरा गया, आम लोग। आम लोग बड़ा। अच्छा, क्या परेशानी होती है? परेशानी आने जाने की, गाड़ी बरसात के मौसम में काफ़ी परेशानी होती है, कभी सूखा के टाइम में तो वैसा परेशानी नहीं, बरसात के टाइम में ना आपको दम हो जाता है। ई रिक्शा वाला आना नहीं चाहता? आना नहीं चाहता है यार, इधर रोड खराब है। खराब है। क्या नाम हुआ? अरुण यादव। कौन सा वार्ड है ये? है 1 नंबर वार्ड। और उधर? उधर है 17 नंबर वार्ड। दो वार्ड के बीच? हाँ, दो। सुना कि ये लोगों का दर्द है, लोगों का कहना है कि दो वार्ड में रहने के बावजूद जो है इस रोड की तरफ किसी की नज़रें इनायत नहीं हो रही है, लिहाजा लोगों का कहना है कि अभी वोट का समय है, सभी प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं, आम लोग से वोट मांगने की अपील की जा रही है। लेकिन लोग यह भी पूछ रहे हैं कि आखिर हम वोट देते हैं तो आखिर टूटी सड़क पर और कच्ची सड़क पर कब तक चलते रहेंगे, इसका कायाकल्प कब होगा? अपने सहयोगी चंद्रजीत के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया।